सांझ है ज्ञान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बादाम से रिलेटेड है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बादाम के बेनिफिट्स बताइए और हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं कि हमारे बच्चों का माइंड शार्प हो। तो आफ्टर लॉन्ग रिसर्च एंड गेन नॉलेज मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम बादाम में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये तो हम जानेंगे ही, प्लस हम ये भी जानेंगे कि बादाम को कब भिगोकर खाना चाहिए और कब बिना भिगोए खाना चाहिए, बादाम को छिलकों के साथ खाना चाहिए या बिना छिलकों के खाना चाहिए। और वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों का माइंड शार्प कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं या आप इसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आई एम श्योर जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको नहीं पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सांझा ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कीजिए सांझा ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हेल्थ टिप्स की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, बादाम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन ई होता है। बच्चे के माइंड की 95% ग्रोथ 2 ईयर के अंदर अंदर हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को बादाम ज़रूर खिलाएं क्योंकि बादाम से माइंड की ग्रोथ होती है। बादाम में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो खुद एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से बालों और स्किन को होने वाले डैमेज से बचाता है, बाल वाइट नहीं होते और जिनकी स्किन में कम एज में ही एजिंग यानी बुढ़ापे के साइन दिखने लेते हैं उनके लिए बादाम बेस्ट है। विटामिन ई हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए भी ये अच्छे होते हैं। बादाम में कार्ब्स कम मात्रा में और प्रोटीन एंड फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लस इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बादाम अच्छा होता है। मैग्नीशियम बीपी को कंट्रोल भी करता है। बादाम हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाई क्वालिटी में प्रोटीन और विटामिन बी होने की वजह से ब्रेन की ग्रोथ करता है, जिससे मेमोरी शार्प होती है। पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी दोनों को ही बूस्ट करता है। फॉलिक एसिड और आयरन होने से एनीमिया यानी खून की कमी को भी पूरा करता है। विटामिन ई और फैटी एसिड्स होने की वजह से ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे ब्लैक हेड्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और स्किन ग्लो करती है। आईज के नीचे होने वाले रिंकल्स, पबिनेस और डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है और अंदर से भी आंखों को हेल्थी बनाता है। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन बी बालों के लिए हर तरह से अच्छा होता है, जिससे हेयर्स की ग्रोथ होती है, अच्छी होती है, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और स्ट्रेंथ मिलती है। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट बादाम की ब्राउन लेयर में होते हैं। बादाम की तासीर गर्म होती है और भिगोने के बाद इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इसलिए गर्मियों में बादाम को भिगोकर खाना चाहिए और सर्दियों में बादाम को बिना भिगोए खाना चाहिए। और गर्मियों में बादाम को भिगोने के बाद उनका छिलका उतारकर नहीं खाना चाहिए, इन्हें छिलके के सहित ही खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शार्प माइंडेड हो और वो स्टडी में अच्छा परफॉर्म करे तो आपको अच्छी डाइट के साथ साथ कुछ और बातों का ख्याल रखना होगा। मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर या फोकस पावर जो होती है वो मैक्सिमम 35 मिनट होती है। 35 मिनट के बाद धीरे धीरे फोकस करने की पावर कम होने लगती है, इसलिए स्टडी के बीच में आप अपने बच्चों को 10 मिनट का गैप ज़रूर दें। गैप देने से एक न्यू एनर्जी डेवलप होती है, जिससे फोकस पावर बढ़ती है और बच्चा चीज़ों को जल्दी लर्न कर पाता है। जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो लर्न करने के 2-3 घंटे बाद ही 50% वो चीज़ हमारे माइंड से निकल जाती है। उस लर्न की हुई चीज़ को एग्ज़ाम तक रिगेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को बार बार रिविज़न कराएं। जब आप बच्चे को कोई भी चैप्टर पैराग्राफ लर्न कराएं तो 24 घंटे में उसका 3 बार रिविज़न ज़रूर कराएं और उसके बाद 1 वीक में दोबारा रिविज़न कराएं। इस टेक्निक से लर्न की हुई कोई भी चीज़ परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है और बच्चा एग्ज़ाम में क्या लाइफ में वो चीज़ नहीं भूलता।
इसलिए कहा जाता है रिविजन इज द मदर ऑफ मेमोरी। जब बच्चों के आसपास डिस्टरबेंस होते हैं तब बच्चा स्टडी में फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा नॉइज फ्री हो, जिससे बच्चा चीजों को जल्दी कैच कर पाए। अगर आपका बच्चा लर्न की हुई चीजों को जल्दी भूल जाता है तो बेस्ट ऑप्शन है कि लर्न कराने के बाद उस चैप्टर को एक या दो बार बच्चे को बिना देखे लिखने को दें। जब हम रिटन रिविजन यानी लिखवा कर रिविजन कराते हैं तब भी वो चीज परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। इसके अलावा मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है और कैचिंग पावर अर्ली मॉर्निंग में दिन के बाकी किसी भी टाइम से ज्यादा रहती है। अगर आप बच्चों को अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा पढ़ाएं तो बच्चा चीजें जल्दी कैच कर लेता है और जल्दी नहीं भूलता है। जब बच्चा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करके स्कूल चला जाता है तो लो एनर्जी होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन करने की पावर भी कम हो जाती है। इसलिए बच्चे को हमेशा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कराकर ही स्कूल भेजें। आई होप मेरी ये टिप्स आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।